बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जीत ये नहीं कि कोई इंसान कभी ना गिरे, बल्कि कई बार गिरकर दोबारा उठना जीत है। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ रहे हो। तजर्बा मुफ्त में मिलने वाली चीज़ नहीं, इसके लिए उम्र गंवानी पड़ती है। खुदा की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मत जाओ, बल्कि अपने दिल में तलाश करो। बगैर किसी सोच के कुछ भी सीखना मेहनत को जाया कर देता है, जबकि बगैर सीखे कुछ भी सोचते रहना खतरनाक वाकया होता है। याद रखिए कि हजारों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है। जो शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत करता है वो आपको कभी भी नहीं जाने देगा, और ना ही वो मुसीबत में आपको अकेला छोड़ेगा, चाहे सूरत हाल कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। सोचना मुश्किल है और फैसला करना बहुत आसान। आपका मुकाबला किसी से नहीं है, आपको किसी से बेहतर होने का खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ उस शख्स से बेहतर बनने की कोशिश करनी है जो आप कल थे। कभी कभी अच्छे लोग बुरा इंतखाब करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, इसका मतलब है कि वो इंसान हैं। दरिया कभी उल्ट नहीं बहता, इसलिए दरिया की तरह जीने की कोशिश करें, अपने माजी को भूल जाएं और अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। हमेशा मुस्बत रहें। शर्मिंदगी से बचना चाहते हो तो 6 चीजों को अपने काबू में रखें। जब आप अकेले हों तो अपने ख्यालात को काबू में रखें। जब आप दोस्तों के साथ हों तो अपनी जुबान को काबू में रखें। जब आप गुस्से में हों तो अपने मजाज को काबू में रखें। जब आप किसी महफल में हों तो अपने रवैये को काबू में रखें। जब आप मुश्किल में हों तो अपने जज्बात पर काबू में रखें। जब खुदा आपको नवाजने लगे तो अपनी निगाह अपनी अना को काबू में रखें। सबसे खूबसूरत मुस्कुराहटें गहरे रास छुपाती हैं। सबसे खूबसूरत आंखों ने सबसे ज्यादा आंसू बहाए हैं, और मेहरबान दिलों ने सबसे ज्यादा तकलीफ महसूस की है। कुछ लोग आपसे सिर्फ उतना ही प्यार करेंगे जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां फायदे रुक जाते हैं वहां उनकी वफादारी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।